रूस के हमलों के बाद कीव से हर दिन भीषण तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। रूसी हमलों से राजधानी कीव खंडर में तब्दील हो चुका है। रूस की बमबारी से कीव की इमारतें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। कीव से करीब 1,045 शव मिले हैं, जिनमें से 80% ऐसे हैं जिनके ऊपर गोलियां मारी गई। कीव दोजख में तब्दील हो चुका है। कीव में दिन रात इतनी कयामत ढाई गई है कि यहाँ की तस्वीरें सिर्फ बर्बादी की दास्तान सुना रही हैं। रूसी हमले में जहाँ भी मिसाइलें गिरी वहाँ इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। मिसाइलें घरों को तोड़ते हुए सब कुछ तहस नहस कर गईं। घरों की जब ये दशा हुई तो इनमें रहने वाले इंसानों का क्या होगा, आप केवल अनुमान लगा सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कीव में भी बूचा और मरियोपोल की तरह नागरिकों को निशाना बनाया गया। जो भी सामने आया उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आंकड़ों के मुताबिक कीव क्षेत्र में 1,045 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, लेकिन कई जगह मलबे में शव अभी भी दबे हैं। कीव के लोकल पुलिस प्रमुख एंटी नोबियोतोव के मुताबिक 80% बेबस और लाचार लोगों को गोली मार दी गई। ये सभी निहत्ते थे और रूसी सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। ऐसा लगता है कि मौत के इस खेल के बाद भी पुतिन का मंसूबा पूरा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि कीव पर वो नए सिरे से हमले की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। और खबर रूस से है, जहां अपने सैनिकों की मौत के आंकड़े को रूस छुपा रहा है और यूक्रेन में रूसी सैनिकों की मौत पर सेंसर है। रूसी रक्षा मंत्रालय नहीं दे रहा है मौत की सही सही जानकारी। पुतिन के कितने जांबाज जंग में मारे गए, कब मारे गए, कैसे मारे गए, इसकी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि खुद रूस अपने सैनिकों की मौत के आंकड़े छिपा रहा है, उस पर सेंसर लगा रहा है। पुतिन ने रूसी रक्षा मंत्रालय को इसकी सख्त हिदायत दी है कि यूक्रेन में मारे जा रहे रूसी सैनिकों का सही सही आंकड़ा दुनिया के सामने नहीं आ पाए। इस तरह की स्ट्रेटजी दो वजह से अपनाई जाती है, पहला दुश्मन का हौसला ना बढ़े और दूसरा अपने सैनिकों का हौसला ना टूटे। पुतिन अपने फौजियों की मौत को छिपाने के लिए बाकायदा एक प्लान के तहत काम कर रहे हैं। इसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यूक्रेन में कितने रूसी सैनिक मारे गए, इस बात को गुप्त रखा जा रहा है। मारे गए सैनिकों के परिजनों को इसके जरूरी निर्देश दिए गए हैं। मौत के बाद की औपचारिकताओं के लिए सिविलियन प्रशासन से संपर्क न करने की हिदायत दी गई है। मौत के बाद की सभी औपचारिकताएं सैन्य प्रशासन ही पूरी कर रहा है। रूस में मिलिट्री डेथ को स्टेट सीक्रेट के तहत रखा गया है। यही वजह है कि यूक्रेन में सैनिकों की मौत का कोई पक्का आंकड़ा किसी के पास नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।